पश्चिम देशों में एक कहानी चलती है। कोई एक युवा प्रोफेसर, बहुत पढ़ा लिखा, अपने नाम के पीछे वर्णमाला के भाव से अक्षर लगाए हुए एक जहाज में यात्रा कर रहा। जीवन का अनुभव नहीं है अभी। उसी जहाज में अनेक नाविक लोग, उनमें से एक नाविक, एक खलासी, बूढ़ा खलासी, बिल्कुल अनपढ़। वो कभी कभी प्रोफेसर साहब के केबिन में चला जाए और उनकी बातें सुने। अरे इतना विद्वान, इतना पंडित, अवाक रह के सुनता रह जाए। एक दिन बहुत सी बातें सुन के जाने लगा तो प्रोफेसर ने पूछ लिया, अरे बूढ़े तूने जियोलॉजी पढ़ी है? वो क्या होती है महाराज, हमने तो नाम ही नहीं सुना। अरे इस धरती का एक शास्त्र होता है, तूने पढ़ा है वो? महाराज मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, न कोई स्कूल गया न कोई कॉलेज गया। अरे बूढ़े तूने अपनी एक चौथाई जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बड़ा दुखी, बड़ा उदास। इतना बड़ा विद्वान कहता है तो सचमुच मैंने अपनी एक चौथाई जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरे दिन फिर बहुत सी पांडित्यपूर्ण बातें होने के बाद फिर प्रोफेसर साहब ने पूछ लिया, अरे बूढ़े तूने ओशनोलॉजी पढ़ी है? वो क्या होती है महाराज, अरे इस समुद्र का भी एक शास्त्र होता है। कहा ना महाराज कुछ नहीं पढ़ा। अरे मूर्ख कहेंगे, तूने अपनी आधी जिंदगी चौपट कर दी। बड़ा उदास, आधी जिंदगी चौपट कर दी हमने। तीसरे दिन फिर पूछ लिया, अरे बूढ़े तूने मटीरियोलॉजी पढ़ी है? वो क्या होती है महाराज, ये तो बड़ा अजीब सा नाम है। अरे इस ऋतु का, हवा का, पानी का, मौसम का, इसका भी एक शास्त्र होता है। पढ़ा? कहा ना महाराज कुछ नहीं पढ़ा। अरे बूढ़े तूने अपनी तीन चौथाई जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस धरती पर रहता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा, जिस समुद्र में रोज यात्रा करता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा, जिस हवा पानी मौसम ऋतु से रोज तेरा वास्ता बनता है उसका भी शास्त्र नहीं पढ़ा। बड़ा निकम्मा आदमी, तीन चौथाई जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बड़ा उदास, तीन चौथाई जिंदगी हमने बर्बाद कर। दूसरे दिन बूढ़े की बारी आई, भागा भागा आया, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब आपने स्विमोलॉजी पढ़ी? वो क्या होता है, आपने तैरना सीखा कि नहीं? नहीं भाई मैंने तो तैरना नहीं सीखा। तो प्रोफेसर साहब आपने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर, इस जहाज को टक्कर लग गई है और ये डूबने ही वाला है। वो सामने तट दिखाई देता है, किनारा दिखाई देता है। जिनको जिनको तैरना आता है वो तो पहुंच जाएंगे, जिनको नहीं तैरना आता वो तो डूब के मरेंगे ही। महाराज आपने तो अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी। अरे दुनिया भर की लोजी पढ़ लेंगे और स्विमोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, तो ये सारी लोजियां क्या काम आई रे? तैरना है ना भव सागर को पार करके, तैरना है ना दुख सागर को पार करके, तैरना है ना, और तैरना जाने नहीं, तैरने का भी शास्त्र ही पढ़े, पाँव नहीं रखें पानी में। अरे कैसा पागलपन छाया हुआ है, धर्म की बातें खूब करेंगे, सिद्धांतों की बातें खूब करेंगे, तर्क खूब करेंगे, कैसे धारण करें ये नहीं सीखेंगे तो क्या मिलने वाला है? धर्म तो धारण करने के लिए होता है।